हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तो आप वीडियो को वॉच करिए, देखिए, सीखिए, उसके बाद में ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लास्ट वीक की एनालिसिस थी उसमें हमने क्या प्रेडिक्शन दिया था, मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। तो सिल्वर जो हमारा मिनी था, मैंने माइक्रो की वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्या रेंज रहने वाली है। सिल्वर मिनी का जो लास्ट वीक का हमारी एनालिसिस थी, 70,000 को अगर ये टच करते ऊपर निकलता, 70,800 मैक्सिमम लेवल था, और नीचे अगर ये 66,000 को ब्रेक करता है तो ये दोबारा 65,000 निकलेगा। लेकिन मार्केट ने सस्टेन किया 67,000 को, ऊपर जाके 70,000 को टच करके आया, तो इसी रेंज में बना रहा। अब इस वीक के लिए हम देखेंगे कि मार्केट के लिए क्या रेंज बनती हुई है। दूसरा, ये लास्ट जो पूरा ईयर है 2022 का, ये लास्ट ट्रेडिंग वीक है, इसके बाद में 2023 में हम जाएंगे, उसके बेस में हम एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ से हम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट की अगर हम देखते हैं, मैंने ये 12 मंथ का ऑन एवरेज ईयरली चार्ट खोल रखा है। अगर ईयरली चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास ये चार्ट है लगभग 2015 से है, तो 2015 के बाद अगर आप देखते हो तो कंटिन्यू मार्केट ने धीरे धीरे, स्पेशली सिल्वर ने धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट किया है। कोई भी ऐसा साल नहीं रहा कि मार्केट में कुछ ना कुछ ग्रो ना रहा हो। अगर इस करंट ईयर की हम बात करते हैं तो करंट ईयर में भी लगभग जो मार्केट की क्लोजिंग थी उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो लगभग 9% का मूव इस वीक में दिखाया है, इस ईयर में दिखाया है। लास्ट जो 21 था, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मूव था 45% के बाद में थोड़ा करेक्शन आना बनता था, तो ये करेक्शन आया, उसके बाद डॉजी टाइप की उस कैंडल बनाई अप एंड डाउन जाके। दूसरा, अभी जो 2022 आया इसमें भी ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर का क्या प्रेडिक्शन रहेगा मार्केट में, क्या कोई अगर बुकिंग आती है, कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लोग बुक करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे और सीखेंगे। फिलहाल हम लास्ट वीक की एनालिसिस कर रहे हैं, तो लास्ट वीक में हम सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी अगर आपने ट्रेडिंग के थ्रू कुछ पैसे बनाए हैं तो पैसे को अपने बचाना सीखिए। ये लास्ट वीक है, लास्ट वीक में थोड़ा मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा रहता है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको देख के ही ट्रेडिंग का प्लान करना है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जस्ट बेट एंड वॉच करिए। आप एक अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप कीजिए कि आप बेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग माना जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी, आप अपनी साइकोलॉजी खुद बिल्डअप कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही कोई आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकता है, उसके लिए आपको अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। साथ में मैं कुछ फंडामेंटल्स की वीडियो बनाने पर काम कर रहा हूँ अभी, जो हम स्टॉक को प्रेडिक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसमें एक तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है, तो दोनों के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको उसके ऊपर सीखना है तो आप कमेंट करिए, अगर कमेंट करते हैं तो आपके लिए मैं जल्दी उसको पोस्ट करूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा फंडामेंटल की वीडियो लाने का, वो रहेगा 3K सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे, उसके बाद ही हम इसमें फंडामेंटल के ऊपर वीडियो आपके लिए पोस्ट करेंगे 1x1 करके। लगभग 8 से 10 वीडियो में रहेगी ये, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों बेस में। उसमें जैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या रीज़न रहता है, पेनी स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भागने वाला स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली व्यू में। मंथली व्यू को अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो ये जो हमारा मार्किंग चलती हुई आ रही है और सिंपल है, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये ऊपर ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। एक तो इसका ये लेवल, इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओके। सेकेंड अगर बात करते हैं तो थोड़ा नीचे चलते हुए आते हैं तो यहाँ से ये सपोर्ट का बात करते हैं, जो लगभग 60,000 का लेवल है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कलर अभी हम चेंज कर देंगे, अभी जस्ट हम मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो लगभग 66,000 के अराउंड में थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम अपसाइड की तरफ हुआ था, तो ये इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करने वाले हैं। नीचे के जो हमारे जोन्स हैं वो रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं।
ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी, तभी आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग करनी है तो आपको मेरी वीडियो जाके देखना होगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ और कैसे उसको हम मार्किंग करते हैं। डेली अगर उसी बेस पर हम बात करते रहेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आप देखोगे तो जो 2022 का मोमेंटम रहा है नीचे से लेके ऊपर तक, अगर हम चलते हैं 2022 में, तो मार्केट की ओपनिंग होती है कहीं 62,800 पे और अभी मार्केट खड़ा हुआ है लगभग 69,000 पे अराउंड में, लगभग 70,000 इसने टच किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे अपट्रेंड रिवर्सल आया, डाउन मूव आया, उसके पीछे रीजन कुछ भी रहा हो, सपोर्ट उसने कहीं भी बनाया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा ईयर की क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में ही रही है। तो हम इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड का मार्केट लेके आता है और पूरा साइकोलॉजिकल फैक्टर इस पे काम करता है। अगर करेक्शन की बात करेंगे तो मैक्सिमम करेक्शन अभी हुआ है कोविड के बाद में, अगर आप देखोगे तो करेक्शन लगभग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू भी आपको दिखा देते हैं, ये अगर करेक्शन की आप बात करते हैं लगभग 28% का करेक्शन है डाउन मूव के लिए, बॉडी टू बॉडी बात करते हैं लगभग 23% का है। अब यहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना करेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट इसने यहाँ कहीं बनाया है 72,000 के अराउंड में और लोअर इसमें करेक्शन किया लगभग 26% के बॉडी की अगर बात करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग नज़र आती है। इतना करेक्शन होने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके पिछले 4 महीनों से अपसाइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अभी लास्ट क्लोजिंग वीक है और क्लोजिंग मंथ भी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर में ट्रेडिंग करेंगे। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इस वजह मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। वीकली ट्रेंड में अगर आप देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको स्पेशली क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या बन रहा है। दूसरा 67,000 को थोड़ा सा यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे 67,500 का लेवल थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रांग अभी काम करेगा, वो काम करेगा इसके लिए सपोर्ट का। तो यहाँ आप देख रहे हैं और उसके लिए नीचे अभी मार्केट में उतना जाना नहीं चाहिए, अगर मार्केट जाता है तो हम उसको डेली एनालिसिस में कवर करेंगे आपके लिए। ऊपर की तरफ 70,000 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 70,000 अगर ये निकालता है तो इसके बाद में जो एक जोन बनाएगा मार्केट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उस जोन की अगर हम बात करें तो 70,000 से लेके 70,500 ये थोड़ा सा क्रूशियल जोन इसके लिए होना है, 70,800। तो इसी यहाँ तक मार्केट को थोड़ा सा भी इसमें आपको वोलेटाइल रहेगा, उसको उस हिसाब से आपको पैटर्न वॉच करके ट्रेडिंग करना है। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड में भी आपके एसएल होने के चांसेस रहते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन करता है। लास्ट वीक देखेंगे, उसके पहले के वीक देखेंगे तो सारे वीक्स में आपको समझ में आया होगा, जो हम डेली एनालिसिस करते थे मार्केट उसी बीच में रहा लेकिन अप एंड डाउन करता रहा है। ट्रेंड अब ट्रेंड है और उसके साथ में रेजिस्टेंस जोन पे भी खड़ा हुआ है, कुछ न्यूज़ भी निगेटिव चल रही है, कुछ पॉजिटिव चल रही है, सारी चीज़ें आपको देखनी है सीखनी है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आप कुछ लर्न करते रहें। अल्टीमेटली आपका जो गोल होना चाहिए लर्निंग का ही होना चाहिए, अगर आप लर्न करते हैं तभी आप इन फ्यूचर में कुछ अर्निंग का प्लान कर सकते हैं। तो आप 22 में जो भी लर्न किया है उसको राइट डाउन करिए और नेक्स्ट ईयर के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास करिए। हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं फ्रेंड्स, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जो 70,000 का लेवल था वहाँ से कुछ करेक्शन आया है डाउन मूव के लिए, लेकिन करेक्शन इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि 68,000 के लेवल को ही क्रॉस कर जाए। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे 68,000 का लेवल इसके लिए थोड़ा सा अभी बना हुआ है सपोर्ट के लिए। ये सारे जो इसके लेवल्स हैं, आप इसको प्योर बोल दीजिए या सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए, ये लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेस में मार्केट को रिएक्ट करना होता है। जो मेरी ट्रेडिंग होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज बेस की ट्रेडिंग होती है, ट्रेंड लाइन में ट्रेड करते हैं, कोई रेंज का फॉर्मेशन कर उस बेस से मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि यहाँ की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू। मार्केट को अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके अप एंड डाउन करता गया है तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो रेंज का ही रोल रहा है, रेंज बनाया, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर चला गया, यहाँ भी 2-3 दिन घूमा उसके बाद में अपसाइड बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इवनिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाने का प्रयास किया लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अगर ये कैंडल भी इसके बराबर बन जाती तो ये इवनिंग स्टार बन जाता, फिर मार्केट 67,000 को ब्रेक करता हुआ 65,000 को टच कर सकता था। लेकिन अभी ओवरऑल जो सेंटीमेंट बने हुए हैं थोड़े से पॉजिटिव ही बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे टेक केयर करना है क्योंकि हमने वीकली में भी देखा,
डेली में भी देख रहे हैं, तो इस सारे में इसे अप ट्रेंड ही बना हुआ है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग हमने कर लिया है, ऊपर का ये जोन अभी जो बना हुआ है 70,500, 70,600 से लेके 71,000 का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और नीचे के लिए जैसे 67,000 का लेवल है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद में 66,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टाइम फ्रेम होता है 4 आवर का। 4 आवर में अब देखिए जोन को देखने का प्रयास करिए, टाइम दीजिए, लर्न करिए। जोन को अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने धीरे धीरे जोन का करेक्शन बनाया है। इस जोन पे था तो मैंने मार्केट के लिए अप एंड डाउन दोनों आपके लिए प्लान किया था डेली एनालिसिस में, आप जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें अगर आपने देखा होगा। और उसके लिए ऊपर की तरफ भी था तभी मैंने आपके लिए बताया था, अगर नीचे निकलेगा तो आपको 200, 400, 500 इस तरह के पॉइंट्स वहाँ मिलने के रहेंगे। जो हमारे पास टारगेट रहता है 200 से 300 पॉइंट रहता है, 1:1 हमें एटलीस्ट लेना होता है, 1.5 मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, उसको हमें इन्जॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी लर्निंग रहती है, आपको कैसी लगती है इस बार ज़रूर लाइक कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन अब थोड़ा सब्सक्राइबर उतने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप है। उस गैप को अगर आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको और इम्प्रोमाइज करेंगे और आपके लिए और बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ये अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है 70,000 का, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है 68,000 होता हुआ 67,500, उसके बाद में 67,000, ये सारे इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने वाले। 68,000 का जो 66,800 का जो लेवल है ये इसके लिए थोड़ा सा आपको ये टेक केयर करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा ऊपर निकला था। तो ये सारे इसके लिए जोन्स हो गए नीचे के लिए। मैंने वीडियो थोड़ी बड़ी कर दी है, जूम करके बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ब्लैक लाइन हमारी सपोर्ट होती है, रेड लाइन हमारी रेजिस्टेंस होती है। दोबारा ये जोन का फॉर्मेशन कर रहा है 4 आवर में, अब इसको नेक्स्ट मूव करना है, लेकिन मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, इसको आपको टेक केयर करना है। आवर्ली टाइम फ्रेम में हम फ्रेंड्स देख रहे हैं तो मार्केट आप देखोगे धीरे धीरे करके अब ट्रेंड में तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम बिता के जा रहा है, तो अच्छी बात है। थोड़ा करेक्शन आए फिर ऊपर जाए, थोड़ा करेक्शन आए फिर ऊपर जाए, ये इसके लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होते हैं। यहाँ आपको प्रॉफिट अच्छा होता है लेकिन उतने ही लॉसेस भी होते हैं, एस एल आपको स्ट्रिक्टली लगाना है। अगर आपका डेली 1 SL 2 SL होता है तो उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं आपको एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट लेना है, क्योंकि मार्केट है ये रहने वाला है, आपका पैसा ही जाने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आज अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन लर्निंग करेंगे तभी अर्न कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी यहाँ भी देखेंगे आप, जोन का फॉर्मेशन हो गया है अपसाइड के लिए, जो जैसा ही मार्केट निकलेगा मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में जो डेली मॉर्निंग के एनालिसिस होती है उसमें आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। ये हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर अभी भी हमारा यहाँ से जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 67,000 का लेवल है, 66,800 का लेवल है, और ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 71,000 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इन दोनों जोन्स को आपको देखना है, सीखना है, मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उसके लिए मैं आपको डेली एनालिसिस करता रहूँगा। अगर आपको फंडामेंटल की क्लास सीखनी है, टेक्निकल के साथ में अपनी एक्यूरेसी ग्रो करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो कंटेंट लेके आऊँ, उससे आपको लर्न करने में थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो एक बार ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।